हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आगे हम बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी वैकेंसियल कोर्स फर्स्ट ईयर 2022 अकाउंटिंग एंड टैली आईएमपी क्वेश्चन, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसके आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के पहला से लाइक कर देना, और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जो है टच कर देना, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज इसके आईएमपी क्वेश्चन, और वीडियो को ज़्यादा से जरूर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोहरा लेखा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोहरी लेखा प्रणाली के लाभ उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। डबल एंट्री सिस्टम में खातों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है हमारा। क्वेश्चन चौथा है हमारा वित्तीय लेखांकन में समनुरूप आधारों का पालन क्यों आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन पांचवा है तलपट क्या है तथा यह कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। इसको जो है हमें तैयार करने की जो है विधि होती है वो लिखनी है यहाँ पर, मेथड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन छठवा है हमारा अंतिम खाते से आप क्या समझते हैं, इन्हें तैयार करने के क्या उद्देश्य हैं, यह कैसे तैयार किए जाते हैं, क्वेश्चन छठवा, ठीक है। आप इनके नोट्स जरूर तैयार कर लेना दोस्तों, ठीक है। बहुत ही जो है आईएमपी क्वेश्चन है ये। तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियों का पता किस प्रकार लगाएंगे और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जर्नल एंट्री और खतौनी का क्या अर्थ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं खतौनी का क्या अर्थ है या खतौनी क्या है, तो आपको इसको जो है पूरा जो है अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। जर्नल एंट्री खतौनी का क्या अर्थ है, क्यों की जाती है, जर्नल एंट्री के आधार पर खतौनी कैसे की जाती है, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा विवरण देना है। व्यापार खाता क्या होता है, इसमें किन मदों को और किस क्रम में सम्मिलित किया जाता है, इसमें सकल लाभ एवं सकल हानि कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नौवां है हमारा। क्वेश्चन दसवां हमारा टैली ईआरपी 9.0 का सामान्य परिचय देते हुए टैली सॉफ्टवेयर का अकाउंटिंग में कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ग्यारहवां है यहाँ पर पुस्तक पालन एवं लेखांकन में क्या अंतर है। क्वेश्चन बारहवां टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाने और लेखन की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है, लेखन करने की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन तेरहवा है हमारा लेखांकन की किन्हीं दो अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको इनके अच्छे से नोट्स तैयार जरूर कर लेना है दोस्तों, क्योंकि अब जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे जब तक आपको ये अच्छे से याद भी नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और इनके नोट्स बना लेने हैं। ये हर ईयर के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप से बनाए हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो थैंक्स फॉर माय वीडियो, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।